शेख रशीद ने अपोजिशन के रवैये को मुस्बत करार दे दिया, कहा लॉकडाउन का इख्तियार मेरा नहीं वजीर आजम का है। ट्रेनें बंद करने से रेलवे का नुकसान हो रहा है, मुसाफरों में भी 20% कमी आई, हुकूमत से दरखास्त है कि रेलवे पेंशन की जिम्मेदारी खुद ले। मैं समझता हूं अपोजिशन ने भी बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया है और पहली दफा ऐसा हुआ है कि लोग एक इज्तमाई वबा से, और अल्लाह ताला सारे मुल्क की मदद करे, अपोजिशन भी बेहतर तरीके से मेरा ख्याल है अपनी कौमी जिम्मेदारियां निभा रही है और उनकी तरफ से कोई ऐसी इख्तलाफी बात नहीं है ना हमें करनी। मैं तो लॉकडाउन का हामी नहीं हूं, मैं इमरान खान की, वजीर आजम की इस बात से इतफाक करता हूं, लेकिन लॉकडाउन करना मेरे पास इख्तियार नहीं है जी, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का इख्तियार है। 7 करोड़ एनुअल पैसेंजर है जिसमें 2 लाख पैसेंजर रोजाना है और उस 2 लाख पैसेंजर्स में पिछले चंद दिनों में हमें 1,60,000 और 1,65,000 तक पैसेंजर रह गया, कोई 20% हमारा पैसेंजर या 15% कम हुए, क्योंकि सैलरी और पेंशन हमारा बहुत बड़ा मसला है। सैलरी कोई मसला नहीं, हमारा रेवेन्यू इतना है। पेंशन मैंने परसों प्राइम मिनिस्टर साहब से दरखास्त की है, कैबिनेट में भी डिस्कस किया है कि रेलवे की पेंशन हुकूमत उठा ले, फिर रेलवे के लिए फाइनेंशियल कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा।